पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के मतलब पढ़ा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है या उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट की वहां पे बात की थी। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर। के प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है बेसिकली लास्ट स्ट्रक्चर हम लोग इसे कहते हैं, जो क्वार्टरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, एग्रीगेशन से बन रहा होता है। तो बॉन्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें आखिरी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस हमने कहा था उस दौरान बनता है कैसे, डेफिनेशन इसकी क्या है, कौन सी फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ये स्ट्रक्चर इतना स्टेबल क्यों है, इस वीडियो में हम लोग इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ कि टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है। तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ठीक है जी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है किस तरह फॉर्म बाय द कॉइलिंग बेंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इंक्लूडिंग हेलिक्स एंड नॉन हेलिक्स ठीक है। ये प्रोटीन का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। और ये बनता कैसे है, अगर आप इससे पिछली वीडियो हमने जब की थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो यहां सिर्फ कॉइलिंग ठीक है जी, यहां सिर्फ फोल्डिंग से बना होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कॉइलिंग भी बेंडिंग भी और फोल्डिंग भी, ये तीनों प्रोसेस क्या होते हैं, इकट्ठे हो रहे होते हैं कब, जब कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा हो, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान किस तरह की हमने बात की पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें इन्वॉल्व होती है, तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन प्राइमरी स्ट्रक्चर की भी हो सकती है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा हेलिक्स या नॉन अल्फा हेलिक्स से बना बीटा प्लेटेड शीट भी हो सकती है। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से क्या होता है कि आगे टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। तो ये वही बात है कि इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग कुछ ड्रामेटिकली देखने की कोशिश करें तो हमने पढ़ा था अल्फा हेलिक्स क्या होता है, कुछ इस तरह बनता है। जबकि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर की, इसमें कॉइलिंग भी मौजूद है ठीक है जी, इसी दौरान इसमें क्या हो सकती है, बेंडिंग आ जाती है, यहां पे ये लेकिन बेंड हो गए ठीक है जी, उसके बाद फोल्डिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें फोल्ड क्या सकते हैं, कॉइलिंग भी हो रही है, बेंडिंग भी हुई है, फोल्डिंग भी हुई है, ये एक स्ट्रक्चर जो बनता है इसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, अमाइनो एसिड की दो टाइप्स होती हैं ठीक है जी, एक होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नॉन, जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता ठीक है, न्यूट्रल होते हैं, और एक वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, चाहे वो एसिडिक है, चाहे वो बेसिक है, चाहे वो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चाहे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है पॉलीपेप्टाइड चेन में दोनों तरह के अमाइनो एसिड आते हैं, तो जो वो अमाइनो एसिड जो मिलके हाइड्रोफोबिक चेन का पार्ट बना रहे हैं वो इनर साइड में होंगे हाइड्रोफोबिक ठीक है जी, और वो अमाइनो एसिड जिनके ऊपर चार्ज होगा वो कहां पे होंगे, सरफेस के ऊपर हो सकते हैं ठीक है जी, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक कैसे होते हैं, जब हम लोग ड्रामेटिकली फोर्स देखेंगे जिसकी वजह से स्टेबल होता है उसके अंदर हम देखेंगे। हाइड्रोफोबिक से बना होता है वाटर हीटर के, वो अमाइनो एसिड या वो कंपाउंड जो कि पानी, वाटर हीटर है वो पानी से दूर भागते हैं, अगर पानी पानी की कंडीशन में उन्हें रखा जाए या ऐसे एनवायरमेंट का सामना हो जाए पानी मौजूद है तो ये क्या हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर भी खराब हो सकता है। जबकि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ये वाटर अट्रैक्टेड वाटर लवर होते हैं ठीक है, ये ऐसी कंडीशन में बहुत फेवरेबल रहते हैं जहां पे क्या हो पानी मौजूद हो, एक्वेटिक कंडीशन हो, तो वो अमाइनो एसिड जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे, वो अंदर रहेंगे किस तरह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, और वो अमाइनो एसिड जो हाइड्रोफिलिक होंगे ये सरफेस के ऊपर होंगे या सरफेस पर होंगे, इस तरह की कंडीशन में होंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग
ये जो अमाइन फोर्सेस है जिसकी वजह से बनता है, तो कितनी टाइप की फोर्सेस हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है इसे बनाने में? ठीक है जी, तो अगर हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं तो तीन तरह की फोर्सेस नॉर्मली, वैसे चार होती है लेकिन नॉर्मली हम लोग तीन पढ़ाते हैं, तो हम लोग यहां पर चारों का जिक्र करेंगे कि चार तरह की फोर्सेस में काम करती है। नंबर वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर टू डाइसल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड भी हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है जी। नंबर थ्री आयनिक बॉन्ड, और नंबर फोर वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ठीक है जी। तो ये वो चार फोर्सेस हैं जो क्या करती हैं, प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि यही वो फोर्सेस हैं जो प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर के बनने की वजह है। इनकी मौजूदगी में ही टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है और स्टेबल भी रहता है। अब इसके बाद इन सारी फोर्सेस के अंदर जो हिस्सा होगा वो किसका होगा जी, आर चेन का, ठीक है जी। अमाइन एसिड के ऊपर हमने पढ़ा है कि फर्ज करिए अमाइन ग्रुप, ये अमाइन एसिड जो क्या थी स्विटर आयन की कंडीशन में मौजूद है, तो इसमें जो आर चेन है या आर ग्रुप है साइड चेन है उसके अंदर किस तरह की आर चेन है, किस तरह की नेचर है उसकी, उसमें ऐसे ये सारी फोर्सेस डिपेंड करती हैं कि अगर आर चेन एक तरफ आर चेन एसिड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ आर चेन एसिड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा जी आयनिक बॉन्ड डेवलप हो रहा होगा। अगर दोनों के ऊपर चार्जेस नहीं है तो वान डर वाल्स फोर्सेस डेवलप हो रही होगी। अगर दोनों ही आमने सामने आ गए हैं या एक खास इंटरवल के बाद सिस्टीन मॉलिक्यूल मौजूद है, सिस्टीन ग्रुप मौजूद है, तो क्या होगा डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगा। और अगर एक का अमाइन ग्रुप और दूसरे का कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान रिएक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान अट्रैक्शन हो जाती है, तो वो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली इन चारों फोर्सेस के बनने की जो वजह है वो क्या है, आर ग्रुप की नेचर है। इसी तरह अगर हम लोग फोल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है जी, अगर हम लोग फोल्डिंग की बात करते हैं कि फोल्डिंग किस तरह की होगी, या हम लोग ये बात कर लेते चले डी नेचरिंग जिसे हम लोग अनफोल्डिंग भी कह सकते हैं, कि कुछ प्रोटीन ऐसी भी होती है जिनके अंदर आर चेन की वजह से वो फोल्ड भी हो सकती हैं यानी कि बनती हैं, और वो डी फोल्ड यानी कि अनफोल्ड डी नेचर भी हो सकती हैं, और डी नेचर होने के बाद दोबारा बन सकती है। तो ये फोल्डिंग किस डिपेंड करती है आर ग्रुप के ऊपर, कि किस तरह का आर ग्रुप है। फोल्डिंग के लिए ऐसे अगर हम लोग बात करें तो आर ग्रुप की दो टाइप हम लोग ले लेते हैं, कि नंबर वन वो आर ग्रुप जो स्मॉलर है, ठीक है जी, वो आर ग्रुप जो क्या है स्मॉलर है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो ऐसा आर ग्रुप जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा इसके अंदर प्रोटीन क्या होगी वो अनफोल्ड हो सकती है, यानी कि उनकी क्या होगी डी नेचरिंग हो सकती है, वो डी नेचर हो सकती है, लेकिन क्या होगा कुछ देर के बाद वो दोबारा से फोल्ड हो सकती है। ऐसी प्रोटीन या ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन जिनकी क्या हो आर ग्रुप स्मॉलर साइज की हो वो डी नेचर हो सकती है, और कुछ देर के बाद जब कंडीशन दोबारा नॉर्मल होती है वो वापस से क्या होती है फोल्ड होकर अपने उसी स्ट्रक्चर में आ जाती है, चाहे वो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है चाहे वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो आर है यही आर ये लार्ज साइज हो, ठीक है जी, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो बहुत ज्यादा हो, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में जो प्रोटीन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है जी। अगर आर ग्रुप क्या जी लार्ज साइज है तो ऐसी कंडीशन में प्रोटीन क्या होगी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, और अगर एक दफा ये क्या हो डी नेचर हो जाए या अनफोल्ड हो जाए, ठीक है जी, एक दफा ये क्या हो जाए डी नेचर या अनफोल्ड हो जाए तो स्मॉल ग्रुप आर की तरह ये वापस फोल्ड नहीं होगी जब कंडीशन नॉर्मल है, बल्कि जब ये डी नेचर होती है तो ये क्या करती है ये इनसॉल्युबल क्लंप बना देती है, ठीक है जी, क्या करती है इनसॉल्युबल क्लंप बना देती है जो फिक्स्ड हो जाता है। अब कंडीशन दोबारा नॉर्मल कंडीशन भी आ जाए वो कंडीशन जिसकी वजह से ये डी नेचर हुई थी अब वो कंडीशन वापस फेवरेबल कंडीशन भी हो जाए तो ये इनसॉल्युबल क्लंप की फॉर्म में रहेगा, ये दोबारा से फोल्ड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका जो आर ग्रुप है वो बल्की है, वो ज्यादा कह सकते हैं आप लोग हैवी है।
अब ऐसी कंडीशन हमें कब मिलती है, तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो वो क्या थी, मिल्की लेयर ऑन मिल्क। जब हम लोग दूध को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, इनसॉल्युबल लेयर होती है, ठीक है, जिस जो कि क्या होती है बाद में हल नहीं होती, ऐसी लेयर को हम लोग मिल्की लेयर कहते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर सॉरी मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है उनका आर ग्रुप एबी साइज का होता है, लार्ज साइज का होता है। तो जब हम लोग उन्हें हीट करते हैं तो वो क्या होता है, डीनेचर यहाँ अनफोल्ड हो जाता है। अब इस डीनेचरिंग या अनफोल्डिंग की वजह से क्या होता है, इनसॉल्युबल क्लंप बनता है जो दूध के ऊपर आ जाता है, ठीक है जी। वो फिर अगर हम लोग दूध को वापस ठंडा भी करते हैं तो वो वापस क्या है, डिजॉल्व नहीं होता। और ये मिल्की लेयर अगर आपको समझ जाए कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसे हम लोग उर्दू या हिंदी में मलाई का नाम देते हैं, दूध के ऊपर आ जाती है, ये वो कंडीशन है कि आर ग्रुप हैवी होने की वजह से हमने दूध को गर्म किया, दूध की प्रोटीन क्या हुई, डीनेचर हो गई, और उन्होंने मिल्की एक क्लंप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जो इनसॉल्युबल है। अब जब हमने दूध ठंडा कर दिया यानी कि वापस नॉर्मल कंडीशन आ गई, लेकिन तब भी वो क्या जी उसी फॉर्म में मौजूद होगी, वो वापस रीफोल्ड या वापस उनकी अगेन फोल्डिंग नहीं होगी। अगर आर ग्रुप स्मॉल हो तब फोल्डिंग हो सकती है। अब उसके बाद हम लोग एक एक करके फोर्सेस की तरफ चलते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसे बनता है इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रिज कैसे बनता है, डाइसल्फाइड ब्रिज कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, और वांडरवाल फोर्सेस बेसिकली क्या किरदार अदा कर रही होती है इसके अंदर। तो एक एक करके हम लोग इस फोर्सेस को स्टडी करेंगे और ये बनती कैसे उसकी तरफ देखते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि फोर्सेस, वो फोर्सेस जो हमने पीछे बात अभी की है कि बनने की वजह है किसके टर्शियरी स्ट्रक्चर की। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड, तो हम लोग फर्स्ट कहते हैं ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है जी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके अंदर क्या जी दो अमाइनो ग्रुप लगे हुए, अमाइनो एसिड लगे हुए, यही कंडीशन यहां पे होगी। तो इस तरह क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, जिस तरह के हमने पहले भी सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ते हुए, स्कैंडी स्ट्रक्चर पढ़ते हुए पढ़ा था। अब आते हैं कि बात करते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज कैसे बनता है। तो जब हमने वहां पे इंसुलिन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, सेम वही प्रोसेस होता है, क्या होता है, दो हिस्टीन के मॉलिक्यूल होते हैं, सॉरी सिस्टीन साइटोसिन के मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें क्या होता है जो हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप है HS, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इनके रिएक्शन से क्या होता है कुछ इस तरह का बॉन्ड डेवलप होता है जिसे हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये ब्रिज है, ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है, और कहा जाता है ये इनमें कोवलेंट बॉन्ड कंडीशन में ये काफी स्ट्रॉन्गर होता है, या कुछ लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड में काफी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यही कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्गर मौजूद होता है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में इसका काफी रोल होता है। अब ये कैसे बनता है, सिमिलरली हम लोग वही कंडीशन अप्लाई करने लगे कि हमने फर्ज किया ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, या एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, सिर्फ दिखाने के लिए मैं दो लाइनें बना रहा हूं, लेकिन उसके अंदर अमाइनो एसिड शो कर रहा हूं ताकि हमें पता रहे कि हमने सिर्फ एक चेन शो की है जिसमें अमाइनो एसिड लिखने के लिए जगह है। तो फर्ज करिए यहां पर भी क्या होता है, अमाइनो एसिड लगे हुए, तो यहां पे क्या होता है, ये दो मॉलिक्यूल है, दोनों क्या है साइटोसिन के मॉलिक्यूल है, ये क्या होते हैं इंटरवल पास हो सकता है, जैसे कि इंसुलिन के अंदर हमने पढ़ा था कि 1
और पांच इंटरवल के बाद जो अमीनो एसिड आता वो भी क्या था, सिस्टीडीन का था, उसके ऊपर भी क्या था, सल्फाइड ग्रुप मौजूद था, तो उनके अंदर रिएक्शन हुआ। यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि चेन सीधी हो सकती है, वन और फाइव या कभी कभार क्या होता है दो चेन हो सकती है, दोनों में जो सिस्टीडीन है वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके दरमियान की बॉन्ड डेवलप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है जी, अब जो तीसरी फोर्स है जो स्टेबिलिटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देती है वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इसमें भी वही कंडीशन है कि फर्स्ट करें एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसके अंदर भी वही कंडीशन है, लेकिन यहां पे क्या होगा एसडी बेसिक नेचर का फर्क आएगा, एसडी प्लस बेसिक, कि एक एसडी का अमीनो एसिड होगा और एक अमीनो एसिड का होगा बेसिक, क्योंकि हमें पता है आयनिक बॉन्ड कब बनती है, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और एक कब होता है जब एक चीज एसडी नेचर की बिहेव कर रही हो और दूसरी चीज बेसिक नेचर की, तो बेसिकली यहां पे क्या होता है एक एसडी का अमीनो एसिड और एक बेसिक अमीनो एसिड एक दूसरे के करीब आता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनमें एक बॉन्ड डेवलप होता है, उस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पे फर्स्ट कर लेते हैं ये क्या है बेसिक अमीनो एसिड है, और यहां पे कोई एसडी का अमीनो एसिड है, ठीक है जी, तो एसडी का अमीनो एसिड और बेसिक का अमीनो एसिड दो अमीनो एसिड मौजूद है जिनके ऊपर क्या ऑपोजिट चार्ज है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मुमकिन है, यहां पे यहां ऑपोजिट चार्ज की वजह से क्या होता है इनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, तो ये बॉन्ड आयनिक कहलाता है। इसी तरह ये बॉन्ड जो होता है इसे हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड और इस तरह के बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब इन तीनों स्ट्रक्चर को फर्स्ट करें हम लोग एक ही जगह पे इकट्ठा करना चाहें तो कुछ इस तरह देखते हैं, फर्स्ट करें कुछ इस तरह की कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि ये तीनों फोर्स है। अब इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन है तो यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। डाइसल्फाइड ब्रिज की बात करते हैं तो यहां पे क्या हुआ डाइसल्फाइड ब्रिज बन सकता है। सिमिलरली एक यहां पे क्या होगा आयनिक बॉन्ड डेवलप हो सकता है, इसी तरह यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है। तो क्या होता है जो सरफेस वाले पार्ट है या कॉर्नर वाले पार्ट है वहां पे क्या होती है नेचर के लिए ऐसे ये बॉन्डिंग और फ्रॉक्शन डेवलप हुआ होता है। अभी भी एक फोर्स जो हमने कहा था कि इसके अंदर इन्वॉल्व होती है उसे हमने कहा था वाटर वॉल फोर्सेस, ये फोर्सेस हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड होते हैं उनके दरमियान डेवलप होती है और ये इनर साइड के अंदर होते हैं, जैसे कि ये तो हमने कॉर्नर पे या सरफेस फर्स्ट कर ले सरफेस पे दिखाए, जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं उनके दरमियान जो वाटरफॉल फोर्सेस है वो कहां पे होती है इनर साइड में। फॉर एग्जांपल यहां पे अमीनो एसिड ले लेते हैं जिसके आधार पे क्या था CH3 लगा हुआ है, इस तरह ये अमीनो एसिड जिसके आधार पे क्या CH3 है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उसे हम लोग कहते हैं वाटरफॉल फोर्स। सेम कंडीशन यहां पे ले लेते हैं, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो भी क्या होगी वंडरवॉल फोर्सेस होगी। तो इस तरह क्या होता है डिफरेंट फोर्सेस, बेसिकली यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड और आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है किनारों में चली जाती है सरफेस की कंडीशन में आ जाती है जिसे हमने कहा था, और इनके ऊपर की जो चार्जेस या अट्रैक्शन वाटर के साथ हो सकती है तो हम लोग कहते हैं कि जो वो पार्ट जो हाइड्रोफिलिक होता है वाटर अट्रैक्टेंट पार्ट है जिनको वाटर अटैक कर सकता है जिनको पानी की मौजूदगी में कोई मसला नहीं होता, वो जो बॉन्ड है वो अमीनो एसिड सरफेस के ऊपर किनारों के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है जी।
और वो हमारे स्टूडेंट इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्यों? क्योंकि इनके आर ग्रुप बेसिकली अपने आर ग्रुप ही शो किया है, बाकी चेन तो वही है, पेप्टाइड बैकबोन है, उसके अंदर अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन हो सकता है। तो जो अंदर वाली साइड पर शो किया है CH3, ये क्या जी एक अमाइनो एसिड की आर ग्रुप है जिसके ऊपर क्या जी कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह के नॉन पोलर जिसे हम लोग इस लफ्ज के लिए मखसूस है जो बेसिक यूज कर सकते हैं, नॉन पोलर जो ग्रुप होता है ये आपस में क्या करते हैं इंट्रैक्शन डेवलप कर देते हैं। इस अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं वाटरवॉल फोर्सेस, और ये अट्रैक्शन के यानी कि ये अमाइनो एसिड इनर साइड पे आ जाते हैं क्योंकि ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते, वाटर हीटर होते हैं, वाटर की मौजूदगी में इनके स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है, तो ये अंदर की तरफ धंसे रहते हैं हमेशा प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, और वो जो वाटर के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं वो क्या होते हैं किनारों के ऊपर ही हम लोग कहते हैं सरफेस के ऊपर रहते हैं। तो इस तरह क्या होती है ये चार फोर्सेस मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वांडरवॉल फोर्सेस, ये क्या करती है इस तरह ये मिलकर एक प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को बनाने में भी इन्वॉल्व होती है और उसे स्टेबलाइज भी कर रही होती है। ठीक है जी, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, इसके मतलब अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।